प्रदेश में शराब नीति को लेकर प्रदेश की पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला और सरकार पर जनता के भविष्य की खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सियासत का मुद्दा ही नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। किस प्रकार का हम वातावरण प्रदेश के बनाना चाहते हैं। सरकार को पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया दिख रहा है कि शराब के इस्तेमाल को, कंजम्पशन को प्रोत्साहन दे। पूरी तरह से ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अभी विगत दिवस जब हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए तो अपनी पीठ थपथपा रही थी सरकार कि शराब की दुकानें हमने बढ़ने नहीं दी। ये कहते कुछ है करते कुछ है। आप हर शहर में, गली मोहल्ले में, किसी भी बड़े कस्बों में चले जाइए, सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर ना मंदिरों का ख्याल रखा गया, ना स्कूलों का ख्याल रखा गया, ना अन्य ऐसे संस्थाओं का ख्याल रखा गया जहां पर शराब की दुकानें आसपास नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े चमकती हुई लाइटों के साथ शराब के शोरूम इनने खोल दिए। कच्ची भी वहां पे लाओ, अंग्रेजी भी वहां पे लाओ, वहां तक भी इनकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब इन्होंने नया काम चालू किया कि हर घर में शराब पिलाओ। भगवान का नाम लेकर धर्म की राजनीति करने वाले इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसमें इनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रखने के बजाय ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि घर में भी शराब पीजिए, मोहल्ले में बैठकर भी पीजिए, स्कूल में बैठकर भी पीजिए, हर जगह शराब का प्रचलन बढ़ा दे। ये बिल्कुल पुरजोर ढंग से इसका विरोध करेंगे और सरकार को हम मध्य प्रदेश की जनता के और अपने भविष्य जो नौनिहाल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सरकार अपनी आय बढ़ा सकती है बिना आम जनता के ऊपर बोझ डाले। किसानों की इनको चिंता नहीं, मजदूरों की इनको चिंता नहीं, शासकीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की इनको चिंता नहीं, माताएं बहनें महंगाई से परेशान हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ गए, खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, उससे इनको चिंता नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल, भगवान न करे किसी के घर में अगर कोई बीमार हो जाए और उसको अस्पताल जाना पड़े, उसके इलाज के लिए उस व्यक्ति को अपना घर बेचने की स्थिति आ रही है। आयुष्मान कार्ड इनने खोखला वादा किया कि उससे आपका इलाज होगा, 6 महीने हो गए इनने अस्पतालों को भुगतान नहीं किया तो आयुष्मान कार्ड धारियों का इलाज नहीं हो रहा। और सरकार की चिंता यह है कि हम घर घर शराब कैसे बेच सके, शराब की बिक्री को कैसे बढ़ा सके और शराब से कमाई ज्यादा कैसे कर सके। ये बहुत ही निंदनीय बात है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। सदन में भी करेंगे, विधानसभा में, सड़क पर भी करेंगे। इनको ये नीति लागू नहीं करने देंगे।